अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। हमारे कोर्स का लेक्चर नंबर 10 है और आज के कोर्स में हम एम एस एक्सेल के फर्दर टाइप्स को डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने आपसे डिस्कस किया था कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एड्स इन को पढ़ेंगे, लेकिन एड्स इन हमारे होम के टाइप का पार्ट नहीं था, इसलिए हम लोग आज एड्स इन को नहीं पढ़ेंगे बल्कि फर्दर आने वाली वीडियोज़ में हम एड्स इन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ट्रेनिज, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने होम के टाइप को डिस्कस किया था, आज हम न्यू टैब को डिस्कस करेंगे जिसका नेम है इंसर्ट। आप लोगों ने एमएस वर्ड में भी इंसर्ट के टैब को देखा था, जिसमें आप इंसर्ट थ्री डी मॉडल और उसके अलावा पिक्चर्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इंसर्ट के टैब में सबसे पहले हमारा पाइवेट टेबल का एक ऑप्शन आता है। पाइवेट टेबल क्या चीज़ होती है? जब आपके पास ढेर सारा डाटा होता है, उसमें से आपने कुछ स्पेसिफ़िक डाटा की वैल्यूज़ को और रेंजेस को चेक करना होता है, तो उसके लिए आप पाइवेट टेबल का यूज़ करते हैं, जो कि हम फर्दर आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है रिकमेंडेड पाइवेट टेबल का। रिकमेंडेड पाइवेट टेबल क्या होता है, ये भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ से आप लोगों के पास एक तो इंसर्ट आप यानी कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में मैन्युअली टेबल बनाना सीखा था, बट आप यहाँ से इंसर्ट के टैब में आकर एक अगर टेबल बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। सबसे पहले आप उसकी रेंज सेलेक्ट करेंगे, सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, कितने सेल्स रेंजेस पे, कितने एरिया पे आप लोग टेबल को क्रिएट करना चाहते हो आप पहले वो सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद जैसे आप देख सकते हो कि आपके पास जो टेबल का वो आपको पूछ रहा है कि आपकी कहाँ से लेकर कहाँ तक की रेंज है। आप इसको मैन्युअली भी लिख सकते हो, अगर आप मैन्युअली नहीं लिखना चाहते हो तो आप ऑटो सेलेक्शन कर सकते हो, यानी कि आपको जितना एरिया चाहिए टेबल के लिए आप उसे सेलेक्ट कर सकते हो। सेलेक्ट करने के बाद ओके करेंगे तो हमारा जितना एरिया होगा उस पर टेबल क्रिएट हो जाएगा। टेबल डिज़ाइन में आने के बाद आप यहाँ से टेबल को डिज़ाइन कर सकते हो, जिस तरह का आपको टेबल चाहिए आप उसे डिज़ाइन कर सकते हो। मोर में जाने के बाद आप फर्दर इसके अंदर डिज़ाइनिंग कर सकते हो जैसे आपको पसंद हो। यहाँ पर आप लोगों ने एक चीज़ देखनी है, होम के टैब में आकर ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक करेंगे तो आपके टेबल है उसके सेल्स के बॉर्डर बन जाएंगे। साइड पे उनके ब्लैक लाइंस जो शो हो रही हैं, ये आपके टेबल का बॉर्डर है। इसी तरह से अगर आप लोगों को टेबल को फॉर्मेट करना है तो टेबल फॉर्मेट का ऑप्शन यूज़ करेंगे। सेम वही चीज़ है जिसमें आपने फ़िल्टर की रखनी है, नहीं रखनी, हेडर रखना है नहीं रखना, जो जो ऑप्शन हम लोगों ने लास्ट वीडियो में टेबल बनाकर देखे थे, सेम वही ऑप्शन है यहाँ पर भी। ठीक है, आप लोग अगर इसको चेंज करना चाहते हो यहाँ से चेंज कर सकते हो। सेल का नेम चेंज कर यानी कि टेबल का नेम रखना चाहते हो तो यहाँ से आप इसे रीनेम कर सकते हो। स्लाइसर क्या होते हैं, आपके पास स्लाइसर में होता है कि अगर आप लोग किसी भी कॉलम को उसके टेबल पर लाना चाह रहे हो तो आप लोग स्लाइसर्स का यूज़ करते हो। अब मैं इतने रेंज का टेबल को सेलेक्ट करके स्लाइसर में लाऊंगी तो यू कैन सी के डिफरेंट स्लाइसर्स, कॉलम नंबर 1 का स्लाइस, कॉलम नंबर 2 का, कॉलम नंबर 3 का, कॉलम 4 और 5 का स्लाइसर मेरे पास शो हो रहा है। इसमें आप लोग नोट्स ऐड कर सकते हो, बाकी इसकी ऐसे कोई ज़रूरत नहीं होती। इसके अलावा अगर आप लोग फर्दर ऑप्शन देखो तो यहाँ से आपको जो बेहतरीन लगता है आप उसे चूज़ कर सकते हो। जैसे सेटिंग आप टेबल की करना चाहते हैं आप वैसे सेटिंग कर सकते हैं वेरी इजीली। ठीक है, यहाँ से आप इसके अंदर मैप को ऐड कर सकते हो, अगर आप मैप यूज़ करना चाहो तो मैप ऐड कर सकते हो। 3D मैप को ऐड करना बहुत ही आसान होता है, अगर आप लोग 3D मैप इस्तेमाल करना चाहो वो भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप अपने टेबल के बैकग्राउंड में पिक्चर लगाना चाहते हो तो यहाँ से आप टेबल के बैकग्राउंड में पिक्चर ऐड कर सकते हो, टेबल के फ्रंट पे पिक्चर ऐड कर सकते हो। इसे छोटा बड़ा करने के लिए आप लोग इन कॉर्नर्स का यूज़ करते हो, बट यहाँ पर जो इमेज में ऐड की है इसका फ़ायदा ये है कि आप लोगों को बताया जाए कि यहाँ से आप सिंपली पिक्चर को ऐड कर सकते हो, और ऐड करते ही आप लोग देख सकते हो कि आपके पास ऊपर पिक्चर का अलग से टैब ओपन हो गया है। ठीक है, फर्दर इसके अलावा अगर आप लोग अपने टेबल में शेप्स ऐड करना चाहो, सॉरी इंसर्ट के टैब में आप शेप्स देखो, शेप्स भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, हम यहाँ बात कर रहे हैं इंसर्ट टैब की, जो कि आपका टेबल ऑलरेडी हमने ड्रा कर लिया है, टेबल से इसका कोई मतलब नहीं है, टेबल को आप छोड़ दें, टेबल अलग ऑप्शन है। तो हम लोग यहाँ पर 3D मैप को ऐड करेंगे, थोड़ा सा ये टाइम लेगा क्योंकि ये बहुत ही हैवी है, इसलिए थोड़ा सा आपका टाइम लेगा। अगर आपके लैपटॉप की स्पीड बिल्कुल ही स्लो है, बिल्कुल ही लो रैम लैपटॉप है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा।
तो अभी मैं वीडियो को पॉज कर देती हूँ, और सॉरी पॉज कर दिया था, अब रिज्यूम किया है काफ़ी मिनट के बाद, 7 से 8 मिनट के टाइम के बाद ये ओपन हुआ है। अब आप देख सकते हो कि जो मैंने 3D मैप है वो ऐड किया है। अब आप ये लेफ़्ट राइट फ्रंट बैक की से इसको राउंड ऑफ राउंड बैक फ्रंट लेफ्ट राइट इसको मूव कर सकते हो, ठीक है। ऊपर फर्दर ऑप्शन आपके पास आ जाते हैं, ठीक है। लेयर्स को ऐड करना चाहते हो तो लेयर्स इनेबल कर दो, अगर आप नहीं करना चाहते तो यहाँ से इसको आप डिसेबल कर दो, ठीक है। और यहाँ से आप लोग एरिया एड्रेस ऐड कर सकते हो, इसको आप लोग इस तरह से कह लो कि इसको आप लोग टेक्स्ट बॉक्स ऐड करके ना उसको रेफरेंस दे सकते हो कि ये आपने जो मैप सेलेक्ट किया हुआ है इसका मकसद क्या है और ये क्यों आपने ऐड किया, इसका मकसद आप जो भी है वेल डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद तो यहाँ से मैं 3D मैप लिख लेती हूँ और उसके ऊपर मैं मेंशन कर देती हूँ कि ये मेरा 3D मैप है। इसको हम क्यों यूज़ करते हैं? एरिया लोकेशन के लिए, ठीक है। तो ये तो सबको ही पता है कि मैप क्यों इस्तेमाल होता है, तो मैं जस्ट आपको डेमो पर्पज़ के लिए बता रही हूँ कि यहाँ पर हम ये सब काम भी कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप लोग न्यू ऐड करना चाहो तो न्यू भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। और फर्दर हम इसको अभी फ़िलहाल के लिए तो बंद करते हैं क्योंकि अभी हम लोग बाकी चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। इसका ऐसे हमें कोई ख़ास किस्म की ज़रूरत नहीं पड़ती है एक्सेल में, बट ये जो होते हैं जो एरिया रिसर्च कर रहे होते हैं, ग्राफिकल डाटा की रिप्रेजेंटेशन करते हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फुल स्क्रीन हो गया है और इससे जान छुड़ाना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि ये आपके पास पूरी एक अलग से विंडो पॉपअप हो जाती है, तो इसको यहाँ से आप लोगों ने सिंपली क्रॉस कर लेना है। क्रॉस करने के बाद नेक्स्ट हम लोग चीज़ देखेंगे जो कि हमारे पास मौजूद है। यहाँ पर आपके पास 2D मैप भी है, ठीक है। एक तो 3D मैप था ये, अब आपके पास यहाँ पर 2D मैप भी है। और 2D मैप में आप लोग क्या करते हो कि जस्ट अपनी एरिया की लोकेशन को लिख लेते हो, मेंशन कर लेते हो कि आपका एरिया है। उसमें आप लोग यानी कि कोई भी सेल है ना उसके ऊपर आप लगा सकते हो कि फ़लाँ एरिया में फ़लाँ काम होगा, फ़लाँ काम जो भी होता है, ठीक है। ये जो मैप पर वर्क करते हैं उनको ज़्यादा अच्छा पता होगा। तो जस्ट डेमो पर्पज़ के लिए आप लोगों को समझा रही हूँ, बाकी ये सच को इसकी खास ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो फर्दर हम लोग बाकी चीज़ों को भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। इसमें आप बहुत सी चीज़ें ऐड कर सकते हो, ग्राफ वगैरह, लिंक ऐड कर सकते हो इसके अंदर, कंप्यूटर के अंदर से लिंक लगाना चाह रहे हो किसी भी इस फाइल्स का या रेफरेंस का तो आप ऐड कर सकते हो। और यहाँ पर आपके पास वर्ड आर्ट आ जाता है, इनकी वर्डिंग को चेंज कर सकते हो, ठीक है। यानी कि डिफरेंट सेम वही ऑप्शन है जो वर्ड में हुआ करते थे। अच्छा, यहाँ डिज़ाइन में जब आप लोग आते हो ना तो आपके पास यहाँ पर डिज़ाइन में और भी बहुत से ऑप्शन आ जाते हैं। जब आप डिज़ाइन के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं ना तो ये आपके पास इस तरह के कुछ ऑप्शन आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने एक थीम सेलेक्ट किया, थीम सेलेक्ट करते ही मेरे जो कॉलम्स के हेडर्स थे ना, जो टेबल के हेडर्स थे वो चेंज हो गए, उनके कॉलम्स का कलर चेंज हो गया। फर्दर मैं यहाँ से भी कलर्स को चेंज कर सकती हूँ, ठीक है। और यहाँ से आप देखें पेज की नेविगेशन, जो पेज का साइज़ है सब कुछ वही है जो एमएस वर्ड में होता था। इसके अंदर ऐसा कोई ख़ास चीज़ नहीं होती जो कि आपको समझने वाली हो या समझना आती हो, क्योंकि ये बिल्कुल रेलिवेंट है एमएस वर्ड की तरह ही है बिल्कुल, लेकिन इसमें थोड़ी सी चेंजिंग आ जाती है, ठीक है। अब अगर आपको कोई ऑनलाइन चीज़ या कोई ऑनलाइन इमेज ऐड करनी है तो आप यहाँ से ऑनलाइन इमेज को ऐड कर सकते हो। और लेट्स सपोज आपने बैकग्राउंड देना है किसी चीज़ का, तो बैकग्राउंड के लिए मैं यहाँ पर बिंग में सर्च कर लेती हूँ, ठीक है। रिकमेंडेड बाय बिंग है। और यहाँ से मुझे कोई भी एक अच्छी फ़ोटो लगती है उसको मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ, तो ये देख सकते हैं आप स्लाइसेस में वो बैकग्राउंड में आ गया है। खैर, मुझे तो ज़रूरत नहीं है इसलिए मैं इसको हटा रही हूँ। और फिर उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि ये पेज की डायमेंशन साइज़ वगैरह हैं, और ये लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट वाला है ऑप्शन, ठीक है। एंड यहाँ पर देखिए एक बैकवर्ड और फ्रंट, एक तो ये होता है ना आपके पास कि इसका क्या फ़ायदा होता है, मैं आप लोगों को समझा देती हूँ, बहुत ही आसानी से समझाऊंगी। अच्छा, इसका ना मकसद आपके पास ये होता है कि कोई भी आपने दो ऑब्जेक्ट रखे हुए, अगर एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के पीछे लाना है तो उसको बैकवर्ड कर दोगे, और अगर पिछले ऑब्जेक्ट को फ्रंट पर लाना है तो उसको फॉरवर्ड कर दोगे, ठीक है। तो ये इसलिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि मैं आप लोगों को समझा देती हूँ कि कैसे होगा। अभी मैं इंसर्ट से एक शेप ले लेती हूँ, ठीक है, दो शेप्स लेती हूँ। मैंने एक शेप ये ड्रा की, इसी को कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करूँगी, उस दूसरी शेप का कलर चेंज कर दूँगी, ठीक है। इसका कलर मैं थोड़ा डिफरेंट रखूँगी ताकि जो है ना इनमें थोड़ा सा हमें फ़र्क समझ आए बैकवर्ड एंड
फॉरवर्ड का। तो अब देखें कि मैं अगर इस रेड वाली को सेलेक्ट करके इस ऑप्शन पे लेकर आती हूँ तो यहाँ पर भी एक ऑप्शन आपके पास शेप फॉर्मेट में आ जाएगा और इसके अलावा एक आपके पास डिज़ाइन वाले टैब में आ जाएगा। ठीक है, अब देखें इसका भी यही काम है जो वहाँ पर होना है और उसका भी यही काम मुझे यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, बैकवर्ड और फॉरवर्ड का आपको समझ आ गया होगा। एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के पीछे लेकर जाना है तो आपने बैकवर्ड करना है और अगर फ्रंट पे लेकर आए तो फॉरवर्ड लेकर आना है। अच्छा, यहाँ से आप लोग देखें तो ये आपके पास फार्मूला का टेबल है, फार्मूला का कॉलम है, इसे हम कल समझेंगे। ठीक है, फार्मूला वाले टैब को हम कल समझेंगे। आई होप कि आज के लेक्चर आप लोगों को समझ आ गई होगी, तो आप लोगों ने इस पर प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।